हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। वेलकम टू स्टडी हैक्स, दिस इज़ सुरभि। आज की जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, ईपीएफओ, एनडीए, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं आज का स्पेशल डे कौन सा है। वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एम है इसका क्या कि इम्पॉर्टेंस बताना लोगों को कि थिएटर आर्ट फॉर्म की इम्पॉर्टेंस क्या है। जो थिएटर है वो काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड में। क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं हम थिएटर की फील्ड में, ये इसका एम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड देता है, बट उसका नाम इशू नहीं किया होता है कि कौन सा पर्सन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड इशू कर रहा है। ठीक है, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर कॉइन कार्ड दिया जाता है जिससे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, वैसे ही आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉसिबिलिटी बताई है कि मिसयूज़ हुआ जा रहा है मनी का जो रिसीव की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, डोनेशन के लिए, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। बॉन्ड जो है वो इशू किए जाते हैं 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड ऑल्सो 1 करोड़ विदाउट मैक्सिमम लिमिट। एक पर्टिकुलर बैंक इस बॉन्ड को इशू करता है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बॉन्ड रहता है 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। पॉलिटिकल पार्टी का इसमें जो नाम है वो रजिस्टर नहीं होता, मतलब जो व्यक्ति कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दे रहा है इसका कोई भी मतलब मेंशन नहीं होता नाम। डोनर का नेम नॉट मेंशन ऑन दी बॉन्ड। डोनर जो डोनेट करता है ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को करता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो नोटिफाई किया गया था 2018 में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो वर्क कैसे करता है, नोटिफाई बैंक के एक होता है चूज़ किया जाता है, वो जो है SBI है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। डोनर जो है वो बाय करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड यूज़ करने के लिए, जैसे चेक पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के थ्रू डोनर देते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड। जो पार्टी जो है डिपॉजिट करती है बॉन्ड अपने अकाउंट में, डिटेल जो है जो रहती है इलेक्ट्रोल कमीशन के पास। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम जो है उसका क्राइसिस देखने को मिल रहा है इंडिया में। इंडिया ने इंपोर्ट करने का फैसला किया है हीलियम का, जो काफ़ी अभी ज़रूरत पड़ रही है हमारे इंडिया को USA से, सिंस 2021 से। फेडरल हीलियम रिज़र्व देखने को मिलता है USA में, जो मेजर हीलियम रिज़र्व है USA में। प्रोडक्शन जो इसकी होगी, पहले तो मतलब बंद कर दी गई थी प्रोडक्शन 2021 में, बट अभी फिर से स्टार्ट की जाएगी। हीलियम जो है वो केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है HE। एटॉमिक नंबर इसका 2 है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, इनर्ट है, मोनोटॉमिक गैस मानी जाती है ये। जो आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है उसमें नोबल गैसेस हैं, उसमें से ये फर्स्ट नंबर पे हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका काफ़ी लोएस्ट है अमंग ऑल दी एलिमेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आप घर में पानी बॉयल करते हो, वो पानी किस टाइम पे बॉयल होना शुरू हुआ है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उसी तरह से आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आइस क्यूब लेते हो आप, किस टाइम पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हुई है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हीलियम जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया गैसियस एटमॉस्फेयर में जो सराउंडिंग थी सन बाय, किसके द्वारा, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे पैरी जैनसन के द्वारा। उन्होंने डिटेक्ट किया कि एक ब्राइट येलो लाइन देखने को मिल रही है स्पेक्ट्रम सोलर क्रोमोस्फेयर में ड्यूरिंग एक्लिप्स इन द ईयर 1868। इंडिया में इसको क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया जोसेफ नॉर्मन लॉकेयर, इन्होंने रिकॉर्ड की ऐसी ही सेम लाइन ऑब्जर्व की इन्होंने सन थ्रू लंडन स्मोग। अज्यूम किया इन्होंने कि एक न्यू एलिमेंट है जो मेटल है उसका नाम है हीलियम। सर विलियम रैमसे ने डिस्कवर की एग्जिस्टेंस इसकी हीलियम की अर्थ पे 1895 में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा राजमहल वोल्केनिक बेसिन है, ये स्टोर हाउस है हीलियम का। अगर प्रेजेंट देखें तो रिसर्चर जो है इसकी मैपिंग कर रहे हैं राजमहल बेसिन एक्सटेंसिवली की,
जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में काफ़ी देखने को मिलेगा हीलियम का। एवरी ईयर जो है इंडिया इंपोर्ट करती है हीलियम 55,000 करोड़, कहाँ से, यूएसए से। हीलियम जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, साइंटिफिक रिसर्च में, ब्लिंप इन्फ्लेशन, पार्टी बैलून्स देखने को मिलते हैं, एज वेल एज वेल्डिंग एप्लीकेशन में। हीलियम मार्केट की अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, यूरोप में, एशिया, पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। हीलियम 3 जो है वो फाउंड किया गया कि वो काफ़ी यूज़फुल है डायग्नोस लंग डिजीज़ के लिए, ये इम्प्रूव करता है रियल टाइम इमेज। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। हाल ही में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने इंक्लूड किया योगासन को कहाँ पे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। पहले कुछ इंक्लूड किए गए थे गेम जैसे गतका, क्लियारी पट्टू, थंगटा, मलखम्ब, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इंक्लूड किए गए, और हाल ही में योगासन को भी इंक्लूड किया गया। आपका क्वेश्चन ये रहेगा गतका, क्लियारी पट्टू, थंगटा, मलखम्बा, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। योगासन जो है वो बोथ मेल और फीमेल कैटेगरीज में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर्म की गई थी अंडर प्रेसिडेंटशिप योगा गुरु बाबा रामदेव जी के अंडर। उनके साथ साथ कौन थे, एचआर नागेंद्र जो सेक्रेटरी जनरल हैं 2019 में। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शेड्यूल देखें तो इस बार आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे। 2020 के जो एडिशन था वो गुवाहाटी असम में था। खेलो इंडिया जो अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2017 में। आपका क्वेश्चन यहां से ये रहेगा कि 2020 में कौन सी स्टेट विनर रही 2018 में एंड 2019 में। नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI हाल ही में न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है अतीश चंद्रा को। अतीश चंद्रा जो हैं 1994 बैच IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर से। करंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये एक स्टैचुएटरी बॉडी है। स्टैचुएटरी बॉडी क्या होती है, लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में बनाई गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका पर्टिकुलर कोई आर्टिकल नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। अंडर किसकी ऑनरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर किसके अंडर है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये फॉर्म किया गया FCI फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत। सेटअप किया गया इसको 1965 में। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दी कंट्री। ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, जिसमें बताया गया कि हरियाणा जो है हाईएस्ट रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें देखने को मिला इंडिया में। ये मंथली रिपोर्ट जारी की जाती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। इसका जो मेन रीज़न रहा वो काफ़ी जैसे इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिला आपको COVID-19 का, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इसके कारण जो स्लो डाउन आए इकोनॉमी में, इंडिया में भी आए, वर्ल्ड में भी कई कंट्रीज़ में आए, और अगर इंडिया के संदर्भ में देखें सबसे ज़्यादा हरियाणा में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके कारण ये क्या एम्प्लॉयमेंट जो है उसको क्रिएट नहीं कर पाए। हरियाणा की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही है 26.4% रही, डेट इज़ नियरली 4 times दी नेशनल एवरेज ऑफ 6.9%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है ये लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है जो इस्टेब्लिश की गई 1976 में। प्रीलिमरली ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1976 में। ये कंडक्ट करती है लार्जेस्ट सर्वे, एस्टिमेट करती है हाउस होल्ड की जो इनकम आ रही है, पैटर्न जो स्पेंडिंग, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी सेविंग हो रही है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सौरभ गर्ग अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ UIDI। UIDI के न्यू CEO नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है सौरभ गर्ग। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाउंड इसको किया गया 28 जनवरी 2019 में। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप ये बताइए, एक फेमस केस है रिलेटेड टू प्रिवेसी, प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया कौन से ईयर में, और फेमस केस जो है इससे रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र। वज्र जो है ये कमीशन की गई इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल विपिन रावत के द्वारा, जो CDS है, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो चेन्नई में देखने को मिलेगा।
जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वज्र, ये सिक्स्थ वेसल है सीरीज ऑफ 7 OPVs का, जो बिल्ट की गई LNT अंडर मिनिस्ट्री डिफेंस के द्वारा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो इसे रिलेटेड था वो साइन किया गया 2015 में। OPV जो है लॉन्ग रेंज सरफेस शिप है, कैपेबल है ये ऑपरेशन करने के लिए मैरिटाइम जोन्स में, जैसे इंक्लूडिंग है उसमें आइलैंड टेरिटरीज हो गई, किसके साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी ये रखता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण। अच्छा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो हमारे तीनों डिफेंसेस के चीफ हैं, जैसे नेवी चीफ है, आर्मी चीफ है एंड ऑल्सो एयरफोर्स चीफ, ये तीनों चीफ जो हैं इनके नाम बताएं, और इन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर किन्हें माना जाता है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया हाल ही में 2020 का, किसको दिया गया, सिंगर जो हैं आशा भोसले। कमेटी जो है इससे रिलेटेड वो चेयर की गई, जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे कहाँ के, महाराष्ट्र के, सिलेक्ट किया इन्होंने आशा भोसले को इस अवार्ड के लिए। आशा भोसले ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जीता 2000 में। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोला जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स प्लीज़ दीजिए। कल आपका जो क्विज है रिलेटेड टू आप योर वीडियो, वो आप इंक्लूड कर दिया जाएगा। आज के लिए सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी हैक। अगर आपने अनदर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपने वीडियोज़ देखनी है तो आप ज्वाइन करें RP क्लासेस। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस रहेगी वो मैथ्स, रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।